हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका। मेरी किचन में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं मूंगफली की चटनी की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान है और इसे हम हर साउथ वाली जो स्नैक्स डिश होती है उसमें खाते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लजीजदार लगता है। तो चलिए फटाफट हम इसे बनाना शुरू करते हैं। मूंगफली की चटनी बनाने के लिए हमने लिया है इंग्रेडिएंट्स, एक कटोरी मूंगफली जिसे हमने रोस्ट करके छिलके हटा लिए हैं, अदरक, हरी मिर्च, लहसुन, नींबू और नमक। अब हम चटनी बनाना शुरू करेंगे। अब हम एक मिक्सर जार ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने छोटा वाला मिक्सर जार लिया है, इसे चटनी जार भी बोलते हैं। उसमें हम मिर्ची डाल देंगे, अदरक डाल देंगे, लहसुन डाल देंगे और ये रोस्ट किया हुआ मूंगफली। ये चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है पर खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। स्वाद के अनुसार हम नमक डाल लेंगे। एक बार हम इसे ड्राई फिश लेंगे, फिर पानी डाल के पीस के आपको दिखाएंगे। देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी चटनी तैयार हुई है। अगर आपको ज्यादा पतला करना है तो थोड़ा सा पानी और ऐड कीजिए, नहीं तो ये अपनी परफेक्ट मूंगफली की चटनी बनके तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया अपनी मूंगफली की चटनी बनकर तैयार हुई है। फाइनली हम इसमें नींबू निचोड़ लेंगे। तो यहाँ पे हम आधी नींबू निचोड़ेंगे। आपको ज्यादा खट्टा चाहिए तो ज्यादा डालिए, लेकिन आधी नींबू इनफ होता है इसके लिए। चलिए हम चम्मच से इसे मिक्स कर ले रहे हैं। तो हम ऐसे चटनी को मिक्स कर लेंगे। नींबू डालने के बाद चटनी और निखर के आता है, टेस्ट तो अच्छा लगता ही है। तो हम चटनी तैयार के लिए। तो फ्रेंड्स, आपने देख लिया मूंगफली की चटनी बनाना कितना आसान है। इसे आप इडली, डोसा, समोसा, कटलेट या रोटी सब्जी के साथ खाइए। बहुत ही शानदार चटनी बनके तैयार होता है। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।